एक गुमसुम बैठना और पागलपन के लक्षण, इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। एक 28 साल की लड़की मेरे पास, मैं उसको लाया और उसको काफी सारे प्रॉब्लम्स मानसिक बीमारी के थे। जैसे कम से कम उसको 2 साल से ये प्रॉब्लम है। काफी जगह घूम लिया और उन्होंने एंटीसाइकोटिक दवा भी ले लिया। उसमें उन्होंने बताया कि भाई, अभी उनकी रिपोर्ट ही मेरे सामने है, वो मैं बताता हूँ पढ़ के, कि जैसा वो खुद से हंसती है फिर गुमसुम बैठती है। बहुत बार 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 गुमसुम बैठेगी, किसी बातचीत नहीं करेंगी, अकेला बैठेंगी, सिर के ऊपर वो कपड़ा ओढ़ लेगी या कोने में जाके बैठ जाएंगी, और नहीं तो फिर हाथ ऊपर नीचे ऐसा कुछ तो भी करेंगे जैसे किसी से बात कर रही है, और गुमसुम बैठेंगे। फिर बे टाइम वो नहाने चालू कर देंगी, कहीं कहीं भी कोई भी समय पे नहाने के लिए जाएंगी, और खुद की केयर करती नहीं है, बिल्कुल ही केयर करती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्नान करके बाहर आएंगे तो कपड़े बराबर पहने नहीं होंगे तो हमको अच्छा लगता नहीं, बोले ऐसे रिलेटिव बोल रहे थे। कभी सबके सामने ही कपड़े निकाल देगी, या फिर काम तो बिल्कुल ही घर में करती नहीं है। कितना पीछे लगो तो थोड़ा बहुत काम कर लेगी, खाना पकाना वगैरह ऐसा है तो नहाना धोना भी टाइम पे करेंगे नहीं, खुद के भी कपड़े धोती नहीं है, और अपने आप से अकेले कोने में जाके बैठेंगे, बार 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 बात करेंगी। फिर थोड़ा उसको कुछ छेड़ा तो फिर वो चिड़चिड़ापन करती है, गुस्सा बहुत ज्यादा करेंगी, फिर बहुत ज्यादा अपने उसको पीछे लग गए तो तोड़फोड़ करेंगी, फेंक फाक कर लेगी। बोलती कि वो जो बोलती है तो उसके कानों में आवाज आती है, ऐसा बोलती कि लोग उससे बातें कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं तू ऐसा कर वैसा कर। क्या होता है, कानों में आवाज आना, उसको बोलते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस। तो ये लक्षण पक्का स्किज़ोफ्रेनिया का हो सकता है, क्योंकि ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होना मतलब वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जैसे कानों में आवाज आना, कुछ पहचान के लोग बात करते हैं, बिना पहचान के लोग बात करते हैं, वो आपको ऑर्डर्स देते हैं कि तू ऐसा कर वैसा कर, अभी उठ, अभी खाना खा, अभी पीना, अभी सोना, ऐसा कर वैसा कर, मतलब ऐसे ऑर्डर देंगे वो। या आपके बारे में वो चर्चा करेंगे, 2-4 लोग हैं वो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, या आपको ऐसे कानों में आवाज आती है कि पुलिस आ रही है, पकड़ रही है, या ऐसे आवाज आएंगे कि आपके ऊपर आरोप कर रहे हैं, आपका कैरेक्टर खराब है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा अलग अलग तरह के आवाज आते रहते हैं, और उसको भी ऐसे कानों में आवाज आते थे। फिर किसी को समझो देख लेते तो नाक के ऊपर कपड़ा बांध लेगी और बोलेंगे मेरे को बास आ रही है, और उसको कोई व्यसन वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई ना तंबाकू ना बाकी भी कुछ व्यसन नहीं है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो कारण से समस्या की शुरुआत हो, कोई भी कारण है। धीरे धीरे ऐसा बढ़ते गया, धीरे धीरे चुपचाप बैठना, धीरे धीरे अकेले अकेले बैठना ऐसा शुरू हो गया। और उन्होंने अभी 2 साल से दवा ले रहे हैं, और 2 साल में दवा लेके थोड़ा दवा से फायदा होता है, और काफी बार दवा से फायदा होता भी नहीं है, मतलब कभी लेते नहीं है कभी लेती है। तो अभी क्या है कि हमारे पास में लॉन्ग टर्म एंटीसाइकोटिक्स दवाई है, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि ठीक है दवा लेते हैं, आप क्या करो कि लॉन्ग टर्म एंटीसाइकोटिक दवा ले, मतलब एक इंजेक्शन लिया तो उसका इफेक्ट महीना भर चलता है, ताकि समझो पेशेंट दवा लेता भी नहीं है, वो एक इंजेक्शन दिया, वो अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, तो 210 का है, फिर 300 मिलीग्राम का है, 400 अप्रोक्सीमेटली 400 मिलीग्राम का आता है, तो वो ऐसे अलग अलग मिलीग्राम के इंजेक्शन है, 200, 300, 400 ऐसे अलग अलग स्ट्रेंथ के हैं, और वो आप लेते हैं तो उससे काफ़ी फायदा हो जाता है, और फिर रोज रोज दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं कि वो सस्ते भी है, कुछ इंजेक्शन ऐसे कि वो सस्ते भी है, और वो आप इंजेक्शन लेते हैं तो उसका इफेक्ट 3 हफ्ते तक चलता है, तो वो भी ले सकते हैं। तो एक तो वो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई ये आप दवाई चालू करो, क्योंकि पेशेंट ना बोलता है दवा लेने के लिए, तो फिर आप कैसा करेंगे, लेने कोई तैयार नहीं है कोई भी हालत में, तो आप कैसा ठोसेंगे अंदर, फिर भाई लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन ले लो, और नहीं तो फिर मैंने उनको बोला भाई अपन ऐसा करेंगे उसको शॉक ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि शॉक ट्रीटमेंट से होता है क्या है वो ठीक हो जाएगी, समझो दवा भी लेती नहीं तो एक बार ठीक हो गई वो बाद में दवा लेना चालू कर। तो उन्होंने मंजूर कर लिया कि ठीक है भाई, अभी हम थक गए काफी साल से चालू है तो हम शॉक ट्रीटमेंट देंगे। शॉक ट्रीटमेंट होता है यार, लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां हैं कि भाई शॉक में चिल्लाना होता है, बहुत तकलीफ होती है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, उसको एनेस्थेशिया देते हैं, उसको कुछ मालूम भी नहीं पड़ता, और बेहोश की अवस्था में मतलब सूंघनी देने के बाद में उसको हम दिमाग को करंट लगाते हैं, और एक कुछ सेकंड करंट लगता है और बाद में पेशेंट उठ जाता है, उसको कुछ मालूम भी नहीं पड़ता। उसको बोल दिया एक दिन आड़ ऐसे 8 शॉक हमने उसको दिए, और 8 शॉक देने के बाद में उसको काफ़ी अच्छा लगा, बहुत फर्क पड़ गया एकदम, खुद का खुद स्नान करना, खुद का खुद काम करना, मतलब ऐसा उसका चालू हो गया, और वो एकदम वंडर हो गया उनके लिए। फिर हमने उनको क्लोजेपिन नाम का जो ड्रग आता है वो चालू किया। क्लोजेपिन क्या है, क्लोजेपिन एक गोल्ड स्टैंडर्ड ऐसा बोला जाता है, कि वो जो क्रॉनिक पेशेंट है उनके लिए हम देते रहते, तो वो चालू कर लिया।
इसके साथ साथ और बहुत वंडरफुल उसने काम कर लिया, बोले इतना हमको तो फायदा कभी हुआ ही नहीं। तो ये हम यदि करते हैं, लोगों को क्या है, लोगों के मन में काफी डर है कि शॉक ट्रीटमेंट क्या है, लोग ना बोलते हैं, तो ऐसा डरने कोई बात नहीं है, ना रिलेटिव्स को मालूम पड़ता है शॉक दिया, ना पेशेंट को मालूम पड़ता है शॉक दिया, एकदम ही सेफ ट्रीटमेंट है, सबने लेना चाहिए। हमारा मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसके लिए आप भी हमारे पार्टनर बनिए, ये वीडियो सभी लोगों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि लोगों को इसका फायदा हो जाएगा। आप हमें नीचे नंबर दिए जो दिए हैं उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ऐप है, वो ऐप डॉक्टर केयरकर नाम का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें फ्री चैटिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।